उसकी मंडी है अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये इसके हवस की मंडी है अनमोल रतन बिक जाते हैं। बिकती है सुहाग की रात यहाँ शायर के सगुन बिक जाते हैं। कि अल्लाह के सजदे बिकते हैं दौलत भी खरीदी जाती है। चांदी के कनक ते सिक्कों से मुर्दों के कफन बिक जाते। एक ठैया भजन सुन लो दो लाइन को। भगवान राम केवट के पास पहुंचे, अब भगवान राम केवट से मांगी नाव ना के बटन। केवट आया, भगवान राम ने कहा भैया हमें इस पार से उस पार जाना है। केवट बोले प्रभु हाँ। भगवान राम बोले कहे तोरो काम यही है कि तही तरफ से उतर बाद मिले जा तू तरफ वाली तरफ जाओ ते हमें कहीं नहीं कह सकत। बोले महाराज एक दिक्कत है, मैंने सुनो कि तुम्हारे पाओ की धूरा कोनो पथरा में लग जाओ लुगाई बन जा तू। और बोले पथरा और नकैये में कितवन तो नकैये बहुत मुलाम हो। बोले इसे महाराज लफड़ा हो जाए। यहां तक कि केवट ने यह कह दिया कि मोह राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बप्पू केवट ने यहां तक की कह दिया कि मुझे राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। प्रभु सुनो, जब तक ना मैं आपके पांव ना धोलू तब तक मैं आपको पार नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी यहां ताव आगो ने तुरंत बाण चलाओ। बोले कह रे ते हमारे भैया की हमारे बाप की कसम है खा रो बे फालतू में काहे खा रो। भगवान बोले एक मिनट रुक जाओ भैया। लक्ष्मण इतने अपनी अटकिया है, अगर जो कह दे के नहीं करने पार तो फिर अपन पैर के सोई जाएगा। देखें आप भगवान बोले आखिर बात का है केवट। तो केवट कहने लगा कि प्रभु अरे शंका है मोरे मन में कैसे बताऊं मैं सुलफड़ा हो जे है स्वामी जादू भरे पाँव में। लफड़ा हो जे स्वामी जादू भरे पाँव में जादू धन तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ेगा। अरे ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के केवट बोला कि शंका है मोरे मन में कैसे बताऊं मैं लफड़ा हो जे है स्वामी जादू भरे महाराज। गीत को सुनना उसमें भाव क्या रखते। भगवान राम बोले बात का है केवट बोलो प्रभु हम बता रहे। गौतम ऋषि की नार यहल्या
अरे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी जानत दुनिया सारी। केवट बोलो महाराज, अगर धूल से आपके पावन की धूरा थोड़ी स्लो, अगर आपके पांव की धुराई नाव में लग गई और जा नाव लुगाई बन गई तो बोले हम ढिमरऊ मर गए, फिर हमें को बचाए वो नहीं है। कैसे जी के दो लुगाई होती ना, उके आदमी से पूछो कि भाई उकी बीतत कैसी होगी। जे चीजें हर को नहीं झेल सकत के उसे पूछो जी के बिल्कुल है ही नहीं है, ओके फिर उसे पूछो कि जी के दो है इसे भाई हम तो गुजरे हैं नहीं बात। केवट बोलो महाराज, अरे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण धूल से तारी जा जानत दुनिया सारी। अगर कहूं धोखे से रघुबर बनी नाओ जा नारी सो हुई ये मौत हमारी हमारी। बोले फिर काल हमें लो बाबे ना, हम खुद काल लो चले जाए, वे आवश्यकता नहीं है हमारे आए की काहे इसे बदनामी हो जाए स्वामी मोरी ई गांव में। बदनामी हो जे स्वामी मोरी ई गांव में सो लफड़ा विद जे हे स्वामी जादू भरे पांव में। हाँ लफड़ा विद जे हे स्वामी जादू भरे पांव में, लफड़ा हो जे हे स्वामी जादू भरे पांव में। अब गीत का मतलब देखना आप मुन्ना महाराज, आप लोग भले पैसा नहीं है, हम तुमसे पैसा नहीं मांगत ना, हम जोकात के तुम लोग तालियां बजाओ। अगर हमारे गाना में ताकत हुई है तुम खुद ऑटोमेटिक बजा दो, नहीं तो हमारे मुंह से चले आए गाओ। नहीं तुम तो दमदार हो, तुम्हारी तरफ से तो 500 हमें मिल गए। भगवान बोले ठीक है, बस केवल प्रसंग सुनना। आपने आपने कई जगह केवट के गीत सुने होंगे, लेकिन एक भाव देखना, आपने अपनी भावनाओं की बात होती है। बहुत गलत हो रहा है, इतना याद रख लेंगे। भगवान बोले बोले भिजल ले धूपाओ, सो केवट अपनो बहुत तसला सुन ले आओ। भगवान राम ने दायनो पाँव धर दो, सो आध घंटा धो केवट ने। भगवान बोले जो दबगो बोले हो, सो भगवान ने उदाहरती में रख लो। अब बाएं पैर दे दो, सो आध घंटा उदो। भगवान बोले दो ही दब गए बोले यहाँ, बोले जो पाँव गीलो हो तो सो तुमने दहती में धर लो, बात धूरा फिर लग गई। सो उन्हें फिर दायनो धरो, सो वे आध घंटा सो फिर उन्हें जो कहता हूँ धर सू में फिर धूरा फिर जो फिर जो फिर जो फिर जो यहाँ सो होते हाथ के हाथ खोलते हैं मुझे दो चार घंटा हो गए। लक्ष्मण जी बोले बोले प्रभु भैया इतने ही बैठे रहो, हम बैठे जाए जे बैठ गए। सो तुम पाँव धोवा लो, सो इतने इतने से बचने तुम्हारे पाँव, ये 14 साल लो धूप दराने। सो का कौन बोल, भगवान राम बोले मुन्ना महाराज केवल भावना सुनना। भगवान राम बोले कछु उपाय है, बोले हो। बोले महाराज एक पाँव एक कठौता में रख लो, सोने एक कठौता में। बोले दूसरो कहाँ रख लें, बोले हमारे घुटना पर रख लो। भगवान राम ने केवट के घुटना पे पांव रख लो। अब भगवान राम बोले केवट हम गिन ना पाए यार, गिन ना पाए हम। केवट बोला प्रभु अगर तुम्हें गिरवे को डर है तो हम मुड़ पकड़ लो। भगवान राम सोचन लगे देखो तो यार हम पूरी संसार हां सहारो दे इको सहारो मुले पाले पल्लो इसे। अरे चरण धोए के बटने प्रभु के नैया में बैठारो,
तना के दूर लोले बागो सो पानी में एक भावर नहीं पड़ा सो के बट मजे से ना मई लगो सो ना चक्का डंडी हो गई तो भगवान बोले चक्का राउंड लगे के बट बहुत गड़बड़ लग रहा के बट बोलो महाराज आदमन हाथ तुम 84 लाख योनी में पेल लिए उनकी काहो थी ये दशा तुम्हें इतने में आगो चक्कर भगवान बोले भैया तन से निकल जो व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा वो कभी 84 लाख योनी में जाएगा ही नहीं ते तो तन से एक तरफ कर लेना तो देखें आप धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए चरण धोय के बट ने प्रभु के नैया में बैठारो चरण धोय के बट ने प्रभु के नैया में बैठारो और गंगा पार उतारो उतारो गंगा पार उतारो उतारो गंगा पार कर दो के बट पार करो जब प्रभु खां पावन में गिरो बेचारो और बोलो स्वामी धन भाग मोरे भय की कैसे बताऊं मैं धन भाग मोरे भय की कैसे बताऊं मैं बस लफड़ा हो जाए स्वामी जादू भरे ना लफड़ा हो जाए स्वामी जादू भर पाओ में लफड़ा हो एक बात यहाँ पर एक से एक कलाकार बैठे हैं हमारे मुन्ना महाराज तो साहित्यकार हैं ये बताइए कि केवट ने भगवान राम से आखिर वो मुद्रका क्यों नहीं ली उतराई क्यों नहीं ली लेना चाहिए जिसने जैसे हम आपके यहाँ मजदूरी करने जाएं पूरे दिन तसला भांजे और हम कहें कि हाँ पैसा ही लेना है क्या मतलब भाव भगवान राम ने कहा कि केवट इसको रख लो केवट बोलो महाराज मैं नहीं रख सका भगवान बोले काहे बोले सुनो बोले हम अपने से हल्के आदमी से लेते नहीं है क्यों आप तो हमसे मांगते का मांगो मांगी ना आपने मुझसे ना मांगी अब जब तुम हमसे मांगत फिर रहे तो हमें कहा दिया लोग मांगी ना भगवान राम ने इसलिए चूंकि केवट बहुत चतुर थे बोले महाराज कैसे ने यह सुना हो कि जी हमें दे देवे केवट ने अपना बहानो करो ना आसमान सुसंका है मोरे मन में कैसे बताऊं मैं लफड़ा विद जे है स्वामी जादू भरे पांव में हां लफड़ा विद जे है स्वामी जादू जादू भरे पाँव में लफड़ा विद जे स्वामी जादू भरे पाँव में लफड़ा विद जे